by Akash Sharma, in this video I will speak about, explain about the CBSE practice set mathematics. So first question of our practice set is, which of the following could be the graph of polynomial? You can see on the screen. Equation is x minus 1 square x plus 2 options. The first option, this graph minus 2 and 1. Second, टू पे टच कर रहा है और माइनस टू पे टच कर रहा है और वन पे टच कर रहा है. थर्ड ऑप्शन, माइनस वन पे टच कर रहा है और वन पे टच कर रहा है. फोर्थ ऑप्शन, माइनस टू पे टच कर रहा है और वन पे टच कर रहा है. फोर्थ ऑप्शन, माइनस टू पे टच कर रहा है, माइनस वन पे टच कर रहा है और वन पे टच कर रहा है. तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर फैक्टर क्या होंगे, तो x इक्वल टू वन, यहां पर कॉमन फैक्टर होंगे यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और एक जीरो जो होगा x इक्वल टू माइनस टू होगा. तो देखो, एक माइनस टू है, वन है, लेकिन अपने को क्यूबिक इक्वेशन चाहिए, तो क्यूबिक इक्वेशन में होंगे दो बैंड होने चाहिए, तो इसमें बैंड है, इसमें बैंड है, इसमें बैंड है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाता है. देन हम आते हैं इस ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पे वन की तरफ क्वाड्रेटिक बैंड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया. वन की तरफ क्वाड्रेटिक बैंड होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया. यहाँ पे देख सकते हो क्वाड्रेटिक बैंड है, तो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर आर थ्री इक्वेशन, थ्री लीनियर इक्वेशन, यू कैन सी ऑन द डायग्राम ऑन द स्क्रीन ऑल्सो इन द बोर्ड, K1, K2, K3 एंड देयर इज सॉल्यूशन. K1 और K3 का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0, और K2 K3 का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1. आपको बताना है कि K3 की इक्वेशन क्या होगी. हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है x माइनस y इक्वल टू 3, बी ऑप्शन है x माइनस y इक्वल टू माइनस 3, सी ऑप्शन है x प्लस y इक्वल टू 3, डी ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, है ना. तो यहां पर देखें तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 मिल रहा है, आल्सो 4 माइनस 1 3 मिल रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन K3 जो इक्वेशन है तो वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रहा है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x, इसके क्या रूट होंगे. तो आप देख सकते हो x स्क्वायर है यानी दो रूट्स होने चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, माइनस 6x यहां पर राइट कर दोगे, इसका ट्रांसपोज करके यहां से 3x कॉमन लोगे, बचेगा x माइनस 2. फिर क्या करोगे, इस x को 0 के इक्वल रखोगे, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे, तो यहां पर एक तो 0 मिल गया x इक्वल टू 0, और सेकंड जीरो जो मिलेगा x इक्वल टू 2. तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 4, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ओ एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल एम आर शोन इन द फिगर बिलो. What is radius of the circle? हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं, पॉइंट ऑन द सर्कल के कोऑर्डिनेट दिए हैं.
तो हमें रेडियस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम फाइंड कर सकते हैं पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर प्लस 2.5 टू 1.6 का स्क्वायर, 3 माइनस 1.8 टू 1.2 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा 2.56, 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44, इन दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 यूनिट। In this question number 5, triangle PQR is shown below. ST is drawn such that angle PQ is equal to angle STQ. तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो और ST डिवाइड करता है 2:3 में, तो इस ST की वैल्यू आपको बताना है। तो ये ट्राइंगल PQR सिमिलर है ट्राइंगल STQ के, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो QT डिवाइड बाय QR जो होगा वो ST अपॉन PR होगा। QT की वैल्यू कितनी है 2 है, और QR कितना होगा 5। ST की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और PR की वैल्यू है 20। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फाइंड करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 5, ये आपको ST की वैल्यू मिलेगी। 5 से 4 टाइम 2, 4 जा 8, यानी ST की वैल्यू 4 होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ ST विल बी 8, ST की वैल्यू 8 होनी चाहिए, तो 8 इज करेक्ट ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, टू स्केलिंग ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, अनस एंड ऋषि ऑब्जर्व्ड देम एंड सेड द फॉलोइंग, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो व्हिच इज करेक्ट। अनस सेड ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू CBA, अब यू कैन सी एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, एंगल R इज इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, so it will be corresponding angles are equal, और corresponding angle जहां पर equal होते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि ये similar है, यहाँ पे side का matter नहीं रहता है, तो यहाँ पे अनस right होगा, तो option A will be correct। See the question number 7, Harsha made a white chimney using a frame and metal rod. She punched 8 holes in the frame, each 2 cm apart. Then hang 6 metal rods from the frame as shown in the figure. The ends of metal rods are aligned over a line shown by the dotted lines in the figure. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस rod की length 6 है, इस rod की length 29 है. बीच में एक एक rod missing है. अगर उनको भी अज्यूम कर ले हम, तो हमारे पास टोटल 8 rods हो जाएगी, है ना? अगर मिसिंग रॉड को भी हम अज्यूम कर लें, तो उसको भी अज्यूम कर लेते हैं, यानी नंबर ऑफ रोड्स कितनी हो गई 8, तो लास्ट रोड की लेंथ है 29, फर्स्ट रोड की लेंथ है 6, तो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D इस फॉर्मूले का यूज करके, तो हमारे पास लास्ट टर्म है 29, फर्स्ट टर्म है 6, माइनस 1 D, माइनस करेंगे 23, 7 D, तो यहाँ पर 23 बाय 7 आ जाएगा D। अब यहाँ पर देखिए, तो हमको मिडिल वाली रोड की लेंथ फाइंड करनी है, यानी फोर्थ रोड की लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है यहाँ से, है ना? तो यहाँ फोर्थ क्या होगा, A प्लस 3 D, ये होगी लेंथ, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 6, है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 23 बाय 7, एलसीएम लिया 42 प्लस 69 डिवाइड बाय 7, उसका 111 डिवाइड बाय 7, तो 111 डिवाइड बाय 7 ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
In question number 8, we have two circles with center O and center N. Radius of circle center O is twice radius of circle with center N. तो ये 2R हो जाएगा, ये R हो जाएगा. This is R, OX is tangent. So here we can see right angle triangle. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. OX की लेंथ हमें गिवन है 18 है ना. तो यहाँ पर हमारे पास ये 3R जो रहेगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये R हमारे पास बेस हो जाएगा, 18 हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो ये 9R² R² 324, इसको इधर लेकर आया 8R² 324, 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पर कितना मिलेगा, पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूं. तो 2 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा, 162, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 4. तो रेडियस पॉइंट में आने वाली है, एक बार देख लेते हैं. और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 81 और ये 2. अब यहां पे स्क्वायरिंग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9/√2. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 9, shown below a circle with center O having tangent at point P, T, S. If QR is 12 cm, radius of circle is 7 cm, you have to find the perimeter of polygon P, Q, T, R, S, O. इस पूरे की radius find करनी है तो QR की value तो आपको पता है, और ये QT tangent है, QP भी tangent है, तो ये QT किसके इक्वल होगा, QP के. TR किसके इक्वल होगा, RS के. तो देखो QR plus QP plus RS, ये दोनों रेडियस है OP और OS. इन सभी को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ये QP को हम क्या लिख सकते हैं, QT. RS को क्या लिख सकते हैं, TR. OP रेडियस है, रेडियस की वैल्यू 7, ये 7, QT plus TR, QR की इक्वल हो जाएगा तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 14, 24 और 14, 38. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. टिल नाउ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर द वाचिंग. विल गेट बैक सून विथ अ न्यू वीडियो. थैंक यू सो मच.